पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सदन में साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से होम्योपैथिक की मीठी दवाई देकर के बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता है, उसी तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मीठी गोली देकर के नौकरियों को, आरक्षण को, भागीदारी को और बाकी जो आम आदमी की सुविधाएँ थी उसको जड़ से ख़त्म करने का काम कर रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि योगी सरकार पर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है। और इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी वह तमाम भागीदारी के मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश को ठाकुर सरकार कहते हुए भी उन्होंने निशाना साधा था कि एसटीएफ को लेकर के उसका फुल फॉर्म बताया था, स्पेशल ठाकुर फोर्स, और इसको लेकर के वह चर्चा में भी आए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर के भी उन्होंने हमला बोला है। दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने यह डर भी जताया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार आम आदमी की सुविधाओं को, आम आदमी के आरक्षण को और आम आदमी के जो भागीदारी है उसको जड़ से ख़त्म करने का काम कर रही है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको कभी भी 3 से 4 दिन बाद जब सदन ख़त्म होगा तो उनको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि राजद्रोह का केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है और राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद उन्हें जेल में डाला जा सकता है, इसकी आशंका भी उन्होंने जताई है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ उन्हें जेल में डालना चाहती है, राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें जेल में भेजेगी, इसकी आशंका भी उन्हें सताने लगी है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें जेल भेजे और वह उसका स्वागत करते हैं और आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई वह लड़ते रहेंगे। राज्यसभा में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी यहाँ पे कहा गया सरकार के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी कि ये वो पद्धति है होम्योपैथी जिसमें जड़ से बीमारी को खत्म किया जाता है और ये ऐसी होम्योपैथी, ऐसी विधा है जिसमें मीठी गोली दी जाती है। मैडम, तो ये सरकार भी मीठी गोली देके हिंदुस्तान में जड़ से सारी चीजों को खत्म करने पे लगी हुई है। वो चाहे सरकारी नौकरियां हो, जड़ से खत्म हो रही हैं, हिंदुस्तान में रोजगार जड़ से खत्म हो रहा है, हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति लगातार बढ़ रही है। तो जो ये सरकार के काम करने की पद्धति है होम्योपैथी की तरह मीठी गोली देके झूठे वादे करके, बस मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, झूठे वादे करके देश को गुमराह करके जड़ से सारी चीजों को खत्म करना। और आज मैं मैडम आपके सामने बोल पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है, आपको इस चेयर पे देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है। लेकिन इस सरकार ने इस काबिल भी शायद मुझे नहीं छोड़ा है और हो सकता है कि 4 दिन बाद मैं जेल में दिखूं। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया मैडम, देशद्रोह का मुकदमा, योगी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा मैडम लगा दिया। क्या इस सदन में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर मैडम हम देशद्रोही हैं तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए। इस देश के सर्वोच्च सदन में बैठ के एक देशद्रोही आपके सामने बोल रहा है, मुझे जेल भिजवाइए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।